मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन इस समय चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करना था और वहीं पर यदि बात की जाए तो सामने पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और इस और दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है और यहाँ पर धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, नेता हैं, विधायक हैं, यहाँ पर आना शुरू हो गए और यहाँ पर पूरा का पूरा जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस समय पप्पी प्राशर हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। क्या कहेंगे कि धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखो, लोकतंत्र का कहान जड़ी केंद्र सरकार कर रही है उदा मुंह तोड़ जवाब दिता जाऊगा। ये अलग अलग एजेंसियां अपोजिशन दबाने कला मोदी चाहता भी मेरी अपनी ओ पार्टी रवे, बाकी पार्टियां दा एजेंसियां दे थ्रू खात्मा किया जाए। पर इन बहुत बड़ा वहम आ, पंजाब दे लोग जो आवाज़ उठा देंगे तो पूरी दुनिया च जाती है पंजाबियों की आवाज़। तो क्या कहोगे आप के जो आज आर पार की लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी, इसके साथ आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ यही नज़र आता है भी हमारा भाजपा का निशान रहे, बाकी निशानों को मिटेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा वहम रखा पला है। मैम, आप भी धरने में आए हैं तो क्या कहेंगे आप? सर, मेरे मुताबिक जड़ा है मनीष सिसोदिया, ये जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है सर, ये और भी लीडर्स के साथ रिपीट हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अगर हम झूठी एफआईआर करवाएंगे तो जो काम हम इस देश में करना चाहते हैं, जो भी रेवोल्यूशनरी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, मनीष सिसोदिया जैसे जो एजुकेशन मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर काम करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर डेली की जाएगी। ये हम जानते हैं कि बीजेपी बहुत सारी स्टेट्स में ये ऑलरेडी अपना चुकी है हथकंडा, तो ये रेपिटेशन जो हुआ है डेफिनेटली उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, यहाँ धरना स्थल पर आना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज 24 चंडीगढ़। विशाल, क्योंकि दिल्ली के अलावा अगर आम आदमी पार्टी की कहीं सरकार है तो वो पंजाब है, तो चंडीगढ़ में इस गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से हंगामा, बवाल, क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, जो वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के वो काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं और सामने आपको शिक्षा मंत्री तुझे सलाम के जो ये कटआउट पकड़े हुए हैं और पूरे का पूरा जो भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर का दृश्य है वो यहाँ पे हजारों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं पंजाब से सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ नील गर्ग हैं, यहाँ पे एक मैम भी है और पूरे का पूरा जो जोश है वर्करों का देखते ही बनता है। नील जी, ये बताएं कि क्या कहेंगे आप के आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई है सड़क के ऊपर? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि पिछले समय से लगातार जो बीजेपी है अपने जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को परेशान कर रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, कभी ईडी के थ्रू, कभी सीबीआई के थ्रू। जैसे आपने कल देखा कि मनीष सिसोदिया जी, जो कि दुनिया के एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने 20 लाख गरीब बच्चों का हाथ पकड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।